आज हम बनाने वाले हैं छोटी मछली। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर रखा है तेल। तेल मैंने यहाँ पर सरसों का लिया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने जीरे और लहसुन का तड़का लगाया है। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं। मैंने इसे दरदरा करके इस तरीके से कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। तो प्याज हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका था, तो टमाटर अपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद हम इस पे मसाले ऐड कर देते हैं। फिर सबसे पहले हम नमक डालेंगे, थोड़ा से चलाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल सके। और बाकी के मसाले भी इस पर ऐड कर देते हैं, जो भी आप मसाले यूज करते हो। तो इन मसालों को भी आपको साथ साथ इसमें पकाना है। इससे मसाले भी कच्चे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से ग्रेवी टाइप की बन चुकी है। तो इसे अच्छे से हम पकाएंगे जब तक कि ये अपने में से तेल ना छोड़ ले। इसके बाद हम इसमें मछली डाल देंगे। मछली को आपने चलाना नहीं है। इसके बाद सीधे आप इसे इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस मैं हल्का सा ही इसे चला रही हूँ उस तरीके से। और इसके बाद इस पर मैं पानी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैं बॉयल पानी ले रही हूँ और इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मछली बहुत जल्द ही पक जाती है, इसे पकने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक बॉयल आ चुका है, बस थोड़ा सा 5 से 6 मिनट हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो ऊपर से इस तरीके से आ जाता है, जब मछली पक जाती है आइडिया आ जाएगा कि ऊपर से इस तरीके से मसाले वगैरह तेल वगैरह इस तरीके से आ जाता है। तो हमारी मछली बनके हो गई है रेडी। तो ये था छोटी मछली बनाने का सिंपल सा तरीका। इसे हमने इस तरीके से सूपदार बनाया है। ये चावल के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।